क्या किया था लकेना खिलाड़ी चौकन्ने थे अपनी लाइन पर गेंद की लाइन पर अपने आप को किया पोजिशन पर लाने का गेंद को वहां पर उसका कामयाबी मिली इस बीच साझा रोमिनी वाला एक पॉइंट 9-12 शाहजा की टीम और मास्टर एजाज साहब ये नवोदय विद्यालय के रिटायर टीचर हैं और स्पोर्ट के जानकार हैं क्रिकेट हो वॉलीबॉल हो फुटबॉल हो इस मैच को देखते हुए इस टूर्नामेंट को देखते हुए मैं कमेटी की जानिब से मास्टर एजाज साहब का हर मकदम करता हूं रिटायर बैंक मैनेजर इनामुल साहब जो काफी दूर से मैच देख रहे हैं उनका भी हर मकदम करता हूं और तमाम लोग जो हमारे चीफ गेस्ट हैं दोनों मंच में सभी लोगों का तमाम खेल प्रेमियों का इस बीच अच्छी सर्विस अच्छा स्पेस स्टैंडर्ड ड्रॉप और रेफरी के इशारे की प्रतीक्षा खुरियाल के खाते में जाता हुआ पॉइंट इस पॉइंट के सहारे खुरियाल 14-9 जी हाँ 5 पॉइंट की प्रत अब साथ जागीर हुसैन मुखिया की आंख खुलती हुई कि भाई अब जागने की जरूरत है तेज और एक पॉइंट खुरियाल के खाते में लगातार पॉइंट अर्जित करते हुए इस पॉइंट के सहारे खुरियाल अब 15-9 साझा जी हाँ 6 पॉइंट की प्रत खुरियाल टीम के पास क्या खुरियाल की टीम इस बात का फायदा उठा पाएंगे ये आने वाला वक्त नहीं बताएगा फिलहाल रेफरी का एक और इशारा खुरियाल की तरफ तो इस पॉइंट के सहारे खुरियाल 16-16 जी हाँ 16-9 खुरियाल 16-9 7 पॉइंट की बढ़त खुरियाल के पास और यकीन यहाँ पर एक मौका हो सकता था लेकिन काफी चतुराई के साथ गेंद वापस गया साझा की टीम ने इस बीच काफी देर के बाद सर्विस में तब्दीली सर्विस चेंज पॉइंट मिला साझा को काफी देर के बाद एक पॉइंट के सहारे अब 10-16 साझा 10 खुरियाल 16 10-16 की सर्विस शाहजहां की ओर से शानदार स्मैश और पिच आउट का इशारा काफी जोशी अंदाज में गेंद पर प्रहार किया था लेकिन गेंद की दिशा तरीके भटक गई और कोर्ट से बाहर सीधे चले गए 11-16 मास्टर जियाउर रहमान साहब इस पिच बहुत चतुराई के साथ पॉइंट प्राप्त किया फर्स्ट कट की दिशा में 17-11 खुरियाल 17-11 साझा मुखिया साहबा साहब लगातार पूरे टूर्नामेंट में अपनी निगाहें जमाते हुए काफी दारोदारों से कंधों पर प्रसन्न मोहन साहब जाकिर हुसैन साहब रिजवान समिति अकील साहब सभी लोगों की कंधों पर काफी जिम्मेदारी और बखूबी अभी ये टूर्नामेंट बिल्कुल अंतिम पड़ाव की तरफ जाते हुए और दर्शक पूरी रात डटे हुए इस मैच का आनंद लेते हुए शानदार स्मैश शायद असफल यहाँ पर प्रयास खुरियाल की ओर से हालांकि कोशिश थी उनकी लेकिन गेंद की पहुंच से काफी दूर थी लिहाजा ये पॉइंट अब साझा के खाते में जाता हुआ साझा 12 खुरियाल 18 शानदार पॉइंट खुरियाल के लिए दिलचस्प मुकाबला खुरियाल की ओर से बिल्कुल अपने सूझबूझ दिखाते हुए पॉइंट प्राप्त किया इस पॉइंट के साथ खुरियाल अब 19-12 मजर बाबू जी लाइन पे थे साथ आउट का इशारा यहां पर होता हुआ पॉइंट मिला साझा को 13-19 साझा की ओर सर्विस 13-19 की अच्छी सर्विस शानदार स्मैश ये जो खिलाड़ी है मैं कह रहा था कि केवाला में धूमनगर टीम को जीत दिलाई थी ये खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं और आज देखना है कि बस
और गेंद हवा में खिलाड़ी नीचे गेंद के उसे प्रेस अच्छा प्रेस पे लेकिन दिशा से भटके आउट का इशारा पॉइंट मिला साझा को उल्ला को साझा 14-20 अभी भी खुड़ियाल के पास 6 पॉइंट की प्राप्त तो क्या खुड़ियाल की टीम इस 6 पॉइंट का लाभ उठा पाती है या नहीं। हालांकि पहला सेट शाहजा ने अपने नाम किया है और खुड़ियाल की टीम को कोशिश करनी हुई इस मैच में बने रहने के लिए सेट जीतना बहुत ही जरूरी है। इस बीच का ऊंचाई की साझा गेंद को प्रेस करने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। इस बीच साझा को एक और पॉइंट मिलता हुआ इस पॉइंट के सहारे 15-20 जी हाँ 15-20 सर्विस साझा की ओर से और यहाँ पर इशारा होना चाहिए खुड़ियाल की तरफ और खुड़ियाल तक आउट करते हुए पॉइंट प्राप्त किया। खुड़ियाल 21 साझा 15 21-15 और का इशारा और रेफरी यहाँ पर अंतिम निर्णय बिल्कुल सही निर्णय। इस बीच खुड़ियाल सर्विस करते हुए 22-15 पर मुकाबला चलता हुआ रही है और पर खुड़ियाल के खाते में तो खुड़ियाल इस पॉइंट के सामने 28 पर 23-15 23-15 खुड़ियाल काफी मैं समझता हूं कि आगे इस क्षेत्र में खुड़ियाल की टीम बिल्कुल सेफ के करीब लेकिन गेंद बाउंड्री से बाहर एक पॉइंट मिला साझा को 16-23 और यहां पर ठगने का प्रयास किया था लेकिन कामयाबी नहीं मिली। स्पीच पॉइंट मिला खुड़ियाल टीम को 24-16 अब खुड़ियाल के लिए समय गेम पॉइंट खुड़ियाल की ओर से 24-16 अच्छी सर्विस अच्छा बहुत अच्छा शॉट पॉइंट प्राप्त किया इस सेट को अपन नाम किया 1-1 की बराबरी पर दोनों टीम और अंतिम सेट यानी कि तीसरा सेट पर क्या पहुंचा ये मैच। खुड़ियाल इस सेट को अपने नाम किया इससे पहले शाहजा की टीम ने अपने नाम किया था तो खुड़ियाल पंचायत के मुखिया जाकिर हुसैन वही शाहजा के मुखिया और व्यवस्थापक जो भी है रियान भाई रियान तरीब पानी का बोतल है तो यहाँ कमेटी बोतल पहुंचाते हैं। अभी साहब को पानी की जरूरत है पानी का बोतल रियान बाबू अब निर्णायक मुकाबला यानी कि ये शेर जो भी टीम जीतेगी वो अगले राउंड में प्रवेश करेगी मजबूती के साथ अगले राउंड में जाएगी और दोनों टीम की कोशिश होगी कि वो शेर अपने नाम करें। रियान भाई पानी भिजवा दें एक बोतल और मैं चाहूंगा कि शाकिब नुमानी भाई पूरे शेर में आपका आराम करने का मौका मिला आप आए और अच्छी शेरोशायरी के साथ कमेंट्री करें और इस शेर के लिए मैं थोड़ा सा आराम करना चाहूंगा। आइए शाकिब नुमानी Yeah!
कोई कहकशा नहीं है।
8-7, 8 और 8 बराबर। यदि दोनों टीमें बहुत मजबूत टीम है, बहुत मजबूती के साथ अपने गेम को शो करती हुई दोनों टीमें, लेकिन इतने बड़े बड़े यहां पर खिलाड़ी देखे गए ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट 9 और 8, 9-8। सिंपल सर्विस और ये वाओ वाओ वाओ, आदित्य राणा और विशाल का ज्वाइंट ब्लॉक, बहुत बेहतरीन यहां पर ब्लॉक देखा गया। 10-8, 10-8, ये लकी बच्चा वाह। बहुत अच्छा ट्राई किया मोनू भाई ने। मोनू की उम्र बता दो आपको 35+ है, लेकिन आप देखिए तजर्बा देखिए, एक्सपीरियंस देखिए, मोनू का गेम देखिए आप। और आइए यहां पे 11-9 मोनू बुल्लर, और ये करण संधू के लिए बाल उछाली गई। करण संधू ने 1 पॉइंट प्राप्त करके स्कोर पहुंचा दिया 10 और 11। मजबूती में मजबूत मुकाबला चल रहा है, कोई कह नहीं सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन पस्ती में उतरता है अभी देखना है, किसका शिराजा बिखरता है अभी देखना है। तुम समझते हो कि तुम जीत गए हो, लेकिन वक्त क्या फैसला करता है अभी देखना है, अभी देखना है कि निकलने वाला सूरज क्या पैगाम देगा। वक्त का क्या फैसला होगा ये वक्त बताएगा। हर्षित वाओ वाओ, सो ब्यूटीफुल क्रॉस, पॉइंट क्या है भाई, 12-11। और फिर उसी बीच यहां देखिए क्या बेहतरीन अटैक के साथ ये तेरह और ग्यारह मोनू हल्की सर्विस, सर्विस को संभाल लिया शहबाज अली का ड्रॉप, और फिर उस तरह से ये 12-13, 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
मनसाही से कौन आया है? ये जमालुद्दीन की पिकअप में मनसाही से जो भी आया है, पिकअप जा रही है, आप लोग जाएं। लेकिन अब कहां जाएंगे? 13 और 13 बराबर। अब आप कहां जाएंगे? पूरी रात गुजार दिया, सेमीफाइनल मुकाबला होने वाला है। ये दीपक का बहुत बेहतरीन उछाला दीपक ने, ये फिर से ये हाँ हाँ हाँ, यही आदित्य राणा जबरदस्त ब्लॉक। अब जो बिखरे तो बिखरने की शिकायत कैसी, खुश्क पत्तों से हवाओं की रफाकत कैसी। 14-13 मोनो डुस्सर राणा मोनो, लेकिन मोनो दबाए गए, मोनो को मजबूर कर दिया गया। फिर से स्कोर यहां पे बराबर, 14-14 बराबर, धड़कने बराबर, बेचैनियां बराबर, कौन जीते कौन हारे।
जबरदस्त रजत चौधरी सर्विस मार्क पे तैयार है। ये जंप लवली सर्विस, वाह वाह रजत चौधरी वाह। जब प्यार होने लगा तो सारी निशानी दे दी, डूबता सूरज तो दरिया को रवानी दे दी। तूने तोहफे में मुझे फूल तक न दिया, मैंने तोहफे में तुझे अपनी जवानी दे दी। क्या बेहतरीन ये रजत चौधरी की सर्विस है। 15-14 से ये मुकाबला चल रहा है, बेस्ट ऑफ 3-25 का मुकाबला था। एक एक सेट जीतने के बाद तीसरा सेट, और तीसरे सेट में जंग का माहौल, जंग के माहौल में मुकाबला चल रहा है। लेकिन अब अनेक सेट को कुछ हौसला अफजाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जरूरत आप पड़ी है, आपको मैदान में आना पड़ेगा अनेक भाई, तब जाकर के कहीं काम बनेगा। आप मुंबई से चलकर यहाँ आए और यहाँ से चलकर आप मैदान में आइए, तब जाके खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होगी। फिर वरना फायदा क्या होगा, आप मजा लीजिए। टूर्नामेंट आखिरी मरहले में है। हबीब सेठ का बहुत शुक्रिया। ये 16-14 पर ये मुकाबला चल रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जाकिर हुसैन मुखिया फिर से नीत की बाहों में चले गए हैं। और रजील करीम जो पूर्व मुखिया रहे के वाला प्राणपुर, रजील करीम भाई भी लगातार हमारे इस मुकाबले के साथ जुड़ रहे हैं। मोनू ढलती जवानी पे मोनू का ये प्रहार, लेकिन गलत ट्राई किया मोनू ने, लेकिन फिर भी शाबाश, वेल वेल मोनू। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। रजत चौधरी, और ये क्या कर दिया, नेट की बाहों में उलझ कर रह गए। कितने पॉइंट, 18-15। टीम को हौसला दीजिए। अरे भाई गांधी मुखिया टीम के जीतने पर कुछ इनाम नाम है ना। हालात लगता है मुखिया जी के खराब चल रहे हैं। फाइनेंशियल पोजीशन इस मरतबा बहुत कम इनामों के बरसात देखी गई। केवाला के मैदान पर तो मानी ऐसा लग रहा है कि लोग एटीएम लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ ये तालियां बजाइए, तालियां बजाओ। ये एक पॉइंट 16-18, क्या बेहतरीन मुकाबला है। ऐसा मुकाबला जिसने सोने वालों को जगा दिया इस मुकाबले ने। मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ जिसने, सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। तो ये महक आ रही है, ये पॉइंट मैं आपको बता दूं। 16 पे सहजा टीम है, जहांगीर मुखिया की सरबराही में टीम खेल रही है। 18 पे खुरियाल की टीम है। दो कदम चलना है। क्या चलेगी खुरियाल की टीम या सहजा की टीम? ये दो कदम चलने के बाद अपनी मंजिल के आंखों में आंखें डाल के बात करेगी। भाई तारिक भाई बताइए कि जाकिर हुसैन मुखिया की जानिब से क्या ऑफर है। जी हाँ, 1,000 रुपए का यहाँ पे कमेंट्री के लिए नाम आया हुआ है। 16-18 पर मुकाबला, जाकिर हुसैन मुखिया इनाम लगाने वाला चेहरा, दिलदार चेहरा कहा जाता है। और फिर यहाँ पे ये मर्तबा 19 और 18, अब कहीं ना कहीं ये मुकाबला अपनी मंजिले, सॉरी 19-16, 1,000 रुपए इनाम ये साकी हुसैन को।
है साकिब मुखिया ने कहा रजत चौधरी के लिए कि जब उसने कोई जख्म हमारा नहीं देखा हमने भी उसे मुड़ के दोबारा नहीं देखा। 1000 रुपए इनाम ये कमेंट्री पर साकिब मुखिया की जाने से। वाह राणा, राणा ने आज इस मुकाबले में आग लगा दिया है कि लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। लेकिन राणा के साथ साथ पूरी टीम को आग लगानी पड़ेगी। 3 पॉइंट है, चलो रॉबिन सर्विस के जरिए पॉइंट हासिल करो। चलो बहुत बढ़िया सर्विस हर्षित, करण संधु, दीपक, रॉबिन चलो। लेकिन रॉबिन नाकामियों ने कदम चुमा रॉबिन का। 21-17 लोगों की निगाहें आदित्य राणा पे टिकी हुई हैं। लवली सर्विस, बहुत बढ़िया। रॉबिन ने जख्मों पे मरहम लगाने का काम किया है। 18 और 21, 1000 रुपए इनाम यहाँ पे। ये साकिब हुसैन मुखिया साहब, अरे भाई जनरेटर में तेल वेल सब है ना, तेल पानी सब है ना, इलेक्ट्रीशियन दरअसल जनरेटर में तेल पानी का भी ध्यान दे। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, वाओ, अरे तालियां बजाओ यार। शहबाज, दीपक, ओ रॉबिन वाओ, वाओ रॉबिन वाओ। ये रॉबिन ने कहा जब उसने कोई जख्म हमारा नहीं देखा हमने भी उसे मुड़ के दोबारा नहीं देखा। होठों पे तुम्हारे जो ये गुल्लार हंसी है तुमने कोई हालात का मारा नहीं देखा। वाओ करण संधु, रॉबिन ने समझा बॉल आउट है लेकिन बॉल राइट आई। 22 और 19, बताओ बिहार वालों मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है मजा? 2 घंटे मुकाबला रुका उसके बाद आपका पैसा वसूल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कौन बोल चुका है? भाई जरा सा ध्यान से बॉल फेंके, आप लोग जरा सा ध्यान से बॉल फेंके। बेखुदी में रेत के कितने समंदर पी गया, प्यास भी क्या शय है मैं घबरा के पत्थर पी गया। लेकिन अभी भी जहांगीर मुखिया टीम के ऑनर है लेकिन खिलाड़ियों के इनामों की बरसात करनी चाहिए भाई, तब आपके खिलाड़ी मजबूती के साथ खेलेंगे। जी 23 और 20, 23-20, तो बहुत शुक्रिया, ये टाइम आउट लिया गया है यहाँ पर। और ये टाइम आउट लेने के बाद क्या फैसला, अभी 3 पॉइंट की दूरी तय करनी होगी ये सहजा की टीम को। तीसरा सेट चल रहा है, तीसरे सेट में मुकाबला है। अजय नर्सिंग होम, गुड्डू सैनिटरी एंड हार्डवेयर स्टोर, कैप डिफेंस स्कूल आजमनगर। MD जावेद आलम डायरेक्टर हैं इस कैप डिफेंस स्कूल आजमनगर के। ममता नर्सिंग होम, परवेज कॉस्मेटिक सेंटर और केपी चिकन पॉइंट, केपी चिकन पॉइंट बहुत बहुत शुक्रिया। ओसिस पब्लिक स्कूल सलमारी